हेलो दोस्तों दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों को शुद्ध कैसे रखें। तो फ्रेंड्स, 21 जून 2020 को साल का पहला सूर्य ग्रहण होगा। यह ग्रहण सुबह 9:15 से शुरू होगा और 3:04 तक रहेगा। यह ग्रहण रिंग ऑफ फायर के आकार का होगा फ्रेंड्स। तो दोस्तों, ग्रहण के दौरान खाना पीना अशुभ माना जाता है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण, इस दौरान हमें खाना पीना नहीं चाहिए। मतलब इस दौरान हमको कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, आपको यह बता दें कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब यह सूर्य ग्रहण लगता है। वैज्ञानिकों के अनुसार ग्रहण के दौरान सूर्य की कुछ विकिरणें वातावरण में मिलकर पृथ्वी तक पहुंचती हैं। तो ये विकिरणें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं फ्रेंड्स। इन विकिरणों से बहुत जल्दी भोजन में बैक्टीरिया फैलता है। जब ये पृथ्वी पर विकिरणें पहुंचती हैं, तो हम लोग जब भोजन वोजन रख देते हैं बना करके, तो उसमें ये किरणें पड़ती हैं विकिरण, तो हमारा जो भोजन होता है उसमें बैक्टीरिया फैल जाता है, जिससे खाना खराब हो जाता है। इसी वजह से हमें खाने पीने के लिए मना किया जाता है। अगर ग्रहण के दौरान ऐसा भोजन किया जाए तो कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, हमको ध्यान रखना चाहिए कि हो सके तो ग्रहण के दौरान हम लोग कुछ भी ना खाएं पिएं। तो फ्रेंड्स, हम लोग बड़े होते हैं तो मान जाते हैं, बच्चे लोग नहीं मान पाते हैं। कभी कभी ज्यादा टाइम के लिए ग्रहण पड़ता है फ्रेंड्स। ये जो 21 जून को ग्रहण पड़ेगा, ये सुबह 9:15 से स्टार्ट होकर 3:04 तक रहेगा। तो काफी लंबा टाइम हो गया, इस बीच बच्चे नहीं मानते हैं। तो इसके लिए हमको कुछ उपाय करने चाहिए। तो ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते रखने चाहिए फ्रेंड्स। खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ते रखने चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्या होता है कि तुलसी में पारा होता है फ्रेंड्स, आप लोग जानते होंगे। और ये जानकारी हम आपको दे दें कि तुलसी में पारा होता है। पारा के ऊपर किसी भी बैक्टीरिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आप जान लीजिए, ये बहुत ही बड़ी जानकारी है। तुलसी तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है हर मामले में। तो तुलसी में जो पारा होता है, पारा के ऊपर किसी भी बैक्टीरिया का प्रभाव नहीं पड़ता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो धार्मिक दृष्टि से तुलसी दोषों को नाश करने वाली होती है फ्रेंड्स। पंचामृत में भी तुलसी का यूज किया जाता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आपको ये जानकारी कैसी लगी, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो हम आपको ऐसे ही जानकारी और डिशेस बताते रहेंगे फ्रेंड्स। बाय।